हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम एंड डूइंग योर रूटीन वर्क फ्रॉम दी क्लासेस। सो इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्स ला के एक टाइप के मेडिकल जो हमारे रह गए थे वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो मेडिकल का टॉपिक क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या है आपको ये समझिए पहले थोड़ा सा। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है ना, पता है ना आपको, केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे, पढ़ चुके होगे। ठीक है, साइंस में पढ़ चुके होगे आप, छोटी क्लास में भी पढ़ चुके होगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, जब आपका कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही हो, जीरो, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, ऑन ए गिवन सिस्टम। ठीक है, उस पर कोई भी नेट फोर्स ना लग रही हो, ठीक है, तो आपका सिस्टम क्या रहता है, आपका इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, सो मीन मान लीजिए आप एक बॉडी है, ठीक है, इधर से मैं 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो बॉडी आपकी क्या मूव करेगी, नहीं मूव करेगी। इट मीन्स नेट फोर्स कितनी है इसकी, जीरो। तो बॉडी क्या, बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं इन जनरल। ठीक है, सो यहाँ पे हमें किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। सो सिस्टम में कितने भी चार्जेस हो, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, हम डायग्राम बनाएंगे उससे भी आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, कितने भी चार्जेस हो उस हर एक चार्ज पे आपकी नेट फोर्स कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे और जिसको भी समझ में नहीं आया इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको इस क्वेश्चन के डायग्राम बनाने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, टू चार्जेस दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी है, प्लस कैपिटल क्यू, आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन। सो मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, टू चार्जेस कहां रखे हुए हैं, से एट से लाइन ए बी प्लेस, टू चार्जेस पॉजिटिव क्यू, दिस इज अगेन ए पॉजिटिव क्यू अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन ए लाइन। ठीक है, ए थर्ड चार्ज मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल क्यू, इज प्लेस्ड बिटवीन देम, इस प्लेस बिटवीन देम कहां रखा है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस पे हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। क्लियर, दो चीजें होगी, चार्ज रखा हुआ है, कहां रखा है मुझे नहीं मालूम, दो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है स्टेटमेंट के कोड, ये भी मुझे नहीं मालूम। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, एट व्हाट पोजीशन की हम उनको इस थर्ड चार्ज क्यू स्मॉल क्यू को कहां रखें, इस अलोंग द लाइन ए एंड बी के बीच में कहां रखें, इन बिटवीन देम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू विल दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो एक तो हमें क्या पता करना है कि स्मॉल क्यू को हम कहां रखें ए और बी के बीच में, दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि आपके सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, मीन आपका सिस्टम क्या रहे, कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम रहे। क्लियर, सो हमें जो कुछ नहीं गिवन, ये सिर्फ हमें यही गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है, और हमें जो नहीं गिवन हम वो क्या कर लेंगे, बाय यूजिंग द मैथमेटिक्स, सपोज दैट इज सपोज। ठीक है, सो मुझे कुछ भी नहीं मालूम तो मैं मान लेता हूं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज सपोज इट्स डिस्टेंस इज कितना आपका, आर, स्मॉल आर, सो दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम ईच अदर। सो मैं खर्चा रखना है दोनों के बीच में, कहां रखूंगा, एट व्हाट पोजीशन, मुझे वो भी नहीं मालूम, सो मैं उस पोजीशन को भी क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। सो लेट अस सपोज योर स्मॉल क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इज अगेन प्लेस्ड एट, इज अगेन पॉजिटिव एंड प्लेस्ड एट ए पॉइंट सी, ये नेगेटिव भी हो सकता है, नो वरीज, ठीक है, एट पॉइंट सी एट ए डिस्टेंस ऑफ से एक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिस्टम या फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो हमने यहां से एक्स डिस्टेंस एज्यूम कर लिया कि मान लो मैंने यहां रखा है, ठीक है, आप इस यहां से भी एज्यूम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मेन डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, आर माइनस एक्स, ये अंडरस्टूड है क्या, टोटल डिस्टेंस आर, ये हमने एज्यूम कर लिया एक्स, ये कितना है हमारा आर माइनस एक्स। क्लियर, सो एट व्हाट पोजीशन, मैंने पोजीशन एज्यूम कर ली कितनी है, एक्स एज्यूम कर ली, सो आई हैव टू फाइंड एक्स फ्रॉम द डायग्राम फ्रॉम द क्वेश्चन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, एंड मुझे क्या पता करना है, एंड स्मॉल क्यू की वैल्यू भी पता करनी है, सो दैट योर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो आपका सिस्टम कहां रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, इक्विलिब्रियम का स्मॉल मीनिंग आप लिख लीजिएगा, हाईलाइट करके, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा कि
इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम चार्ज एंड मीन्स क्या है, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। हर एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो आपकी वो कितनी लगेगी, जीरो लगेगी। नो चार्ज ऑफ द सिस्टम विल डिस्टर्ब ईच अदर, वो एक कोई भी सिस्टम का चार्ज किसी दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, आपका नेट फोर्स मतलब कैंसिल हो जाएगी कुछ भी हो, ठीक है, वो नेट फोर्स आपकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी अदर चार्ज को सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, जो जहां है वो वहीं रहेगा, इट मीन्स। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या लगेगी आपकी, जीरो लगेगी। कोई चार्ज तभी मूव करेगा जब उसको कोई फोर्स लगेगी, यहाँ पे तो कोई फोर्स नेट फोर्स लगेगी नहीं, सो जो चार्ज जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, सो हमें वही पता करना है वो कहां रहेगा, कहां रखें कि आपका ये सिस्टम कोई भी डिस्टर्ब ना हो, उसकी वैल्यू क्या हो। ठीक है, सो मुझे अब सिस्टम में कितने चार्ज हो गए, तीन चार्ज हो गए, तीनों पे नेट फोर्स कितनी लग रही होगी, जीरो लग रही होगी। इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, इसके ऊपर ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, इसके ऊपर ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। क्लियर, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे एक्स एन क्यू फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट नेट फोर्स उन्हीं चार्ज इज जीरो, सो ये हमें गिवन है कि सिस्टम हमें क्या रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो नेट फोर्स होने ई चार्ज जीरो, सो मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, लेट अस कैलकुलेट ठीक है, टोटल फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट, इसके ऊपर फाइंड करते हैं फोर्स टोटल कितनी लग रही है। ठीक है, सो मैं यहां पे स्केल बना रेज कर देता हूं ताकि हम वहां पे कैलकुलेशन पार्ट को इजीली कर सकें। ठीक है, सो मैं यहां पे सपोज कर रहा हूं कि हम इसके ऊपर टोटल फोर्स फाइंड करते हैं। आप पहले डायग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है, डायग्राम से आपको बहुत कुछ क्लियर होता है वेरी इजीली। अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसके ऊपर ये ए वाला फोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा, ये चार्ज किस, ये यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं भाई हम, तो ये चार्ज डिस्टर्ब होगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा ए, तो क्या क्या लगेगी फोर्स यहां पे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। यहां पे इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, ये कहां पे लगाएगा, सी पे बी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, ये जाएगा इस डायरेक्शन में, इसको हम नाम दे देते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। क्लियर, डायरेक्शन हमें हमने डायग्राम में क्लियर कर दी, शो कर दी, और देखिए अपने आप की डायरेक्शन क्या आ रही है, आपकी ऑपोजिट आ रही है, और आप देखिएगा इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, लेट अस फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। सो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं पहले एफ सी ए की, ठीक है, एफ सी ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, फोर्स ऑन पॉइंट सी ड्यू टू पॉइंट ए। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, के रिमेन्स योर के, बिकॉज सिस्टम इज प्लेस्ड इन योर वैक्यूम, जहां पे कुछ गिवन नहीं है ना, वो आपका वैक्यूम अज्यूम करना है हमें, अदरवाइज आपको गिवन होगा कि कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो के क्यू वन कितना है आपका, कैपिटल क्यू, क्यू टू कितना है आपका, स्मॉल क्यू, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है आपका, एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई, ये रही आपकी फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज डी टू पॉइंट ए। दूसरी भी मैंने फाइंड कर लो ऑफ एफ सी बी, एफ सी बी अगर फाइंड करोगे तो वहां पे क्या आएगा आपका, सी बी, सी और बी के बीच में के मीन्स के, क्यू 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 क्यू, ओके, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना आपका, आर माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों की हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई, और देखिए डायरेक्शन आपके ऑलरेडी क्या है, डायग्राम में क्लियर हो गया, आपके ऑपोजिट है, और ये तभी कैंसिल हो पाएंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट ओनली कैंसल्स एट एक्टिंग एट ए पॉइंट व्हेन टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट एक्टिंग एट ए पॉइंट कैंसल्स ईच अदर एक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रही है दोनों फोर्सेस, ये कैंसल हो जाएंगी, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है कैंसिल हो जाएगी, कहां कब कैंसिल होगी, जब इनकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, सेम होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्यों न्यूटन, क्यों न्यूटन, तभी कैंसिल हो पाया ना, क्योंकि सेम पॉइंट पे लग रही है और आपकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या थी आपकी, टू न्यूटन टू सेम थी, नेट फोर्स कितनी आ गई, जीरो, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है, पॉइंट सेम है, आपकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएंगी, और आपका क्या चार्ज, स्मॉल क्या चार्ज, किसी भी चार्ज की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा,
दिस इज कार्ड योर इक्विलिब्रियम, और ये हमें इक्विलिब्रियम दिया गया है तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना आ गया आपको, फॉर सिस्टम टू बी इन योर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमें क्या करना होगा, वो फोर्सेस मस्ट बी प्लेस्ड इक्वल टू ईच अदर, इनकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इक्वल रहेगी। ये आपको समझ में आया भाई इक्विलिब्रियम क्या है, बाय डूइंग दिस मेडिकल, ठीक है। सो के ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या रहेगा, आर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे कर देते हैं कैलकुलेशन, अब हमको समझ तो आ ही गया, दिस इज एक्स। सपोज कीजिए इफ योर आर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, टू वैल्यू ऑफ एक्स आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट के कारण, तो यहाँ पे आपका आर कितना आ गया, जीरो आ गया। इज इट पॉसिबल कि आर आपका जीरो हो जाए, अगर आपका आर ही जीरो हो गया भाई जो आपने ज़ूम किया था, तो आपके दोनों चार्जेस क्या आ गए, सेम पॉइंट पे मर्ज हो जाएंगे, तो सिस्टम मतलब प्रॉब्लम ही खत्म होगी हमारी, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो ओनली क्या बचेगा हमारे पास, ओनली इफ आर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, तो यहां से आर कितना आएगा आपका 2x, और एक्स कितना आएगा आपका आर बाय 2, तो यहां से क्लियर हो गया कि आपका एक्स कितना आ गया, आर बाय 2, इट मीन्स योर थर्ड चार्ज क्यू स्मॉल क्यू चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड इन बिटवीन इन मिड वे ऑफ ए एंड बी, सो दैट योर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, और आपके सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपका ये स्मॉल क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है ए साइड से लेफ्ट साइड से कितना होना चाहिए, आर बाय 2 होना चाहिए, या बी साइड से ले लो वहां पर भी आर बाय 2, एक ये मिडवे पॉइंट आ गया, ठीक है, तो बीच में आ गया, कि अदर मेडिकल्स में करोगे आप ये जरूरी नहीं है कि आर बाय 2 आया, आर बाय 3 कुछ भी आ सकता, वहां पर बताना पड़ता है हमें फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, अगर आपकी मिडवे से पॉइंट हटके आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखने की गुजारिश होती है, यहाँ पे सिंपल लिखिए आप, दिस चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट मिड वे इन बिटवीन ए एंड बी, सो दैट सिस्टम विल बी, सो हमारे पास ये पोजीशन तो आ गई कि हम कहां रखें, बट अब इसकी वैल्यू कितनी, जो देखो हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में एक्स, हमें फाइंड आउट हो गया आर बाय 2, जितना भी डिस्टेंस है 10 मीटर है तो कहां रख दो, 5 मीटर पे रख दो, ठीक है, 100 मीटर तो कहां रख दो, 50 मीटर पे रख दो, सो सिस्टम आपका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्लियर। तो अब हमें दूसरी जो थिंग्स हमारे यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और चार्ज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम किसी और चार्ज पे फोर्स फाइंड कर लेते हैं, यहां से तो नहीं आएगी चार्ज की वैल्यू, होगी कैंसिल ही हो गई चार्जेस, तो हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देख लेते हैं ए पे टोटल फोर्स देख लो या बी पे देख लो, और दोनों की वो भी नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो ये हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन आ गई, लोकेट हो गया कि हम कहां रखें, ठीक है। बट नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट कि हमें कितनी वैल्यू का चार्ज रखना है, कितनी उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए। आप चाहे तो बी पे कर लीजिएगा, बी पे करके आप घर पे देख सकते हो, ठीक है, करके देख लेना। हम ए पे ले लेते हैं, तो ए पे लेंगे तो चार्ज ए पे कौन फोर्स लगा रहा है, स्मॉल क्यू भी लगा रहा है और बी भी लगा रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट कर दूंगा आपको, यहां पे देखिए फोर्स ऑफ ए ड्यू टू सी, नाउ हमने ए पे फोर्स कैलकुलेट कर दी है तो ए डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना आएगा, के, ठीक है, क्यू क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जैसे कि चार्ज बन रहा है ए क्यू क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय कितना आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर जो डिस्टेंस हमने पहले कंसीडर किया था, सो ये रही हमारी फोर्सेस, टोटल फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस एट पॉइंट ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आप ही बताओ कि दोनों का नेट सम है वो क्या होगा, जीरो होगा भाई, तभी आपका सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है। सो फॉर सिस्टम यहां लिखिए फिर अगेन, फॉर सिस्टम, ठीक है, टू बी इन इक्विलिब्रियम,
ठीक है, इक्विलिब्रियम सिस्टम होने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स, टोटल सम ऑफ फोर्सेस कर दो चाहे तो आप, ये क्या रहेगा आपका, मस्ट बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। या फ्रैक्शन देंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए यहीं पे फोर्स होगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी भी यहीं पे होगी, ठीक है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी, बट ये टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए आपकी, जीरो होनी चाहिए, जीरो, तभी आपका सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। तो वैल्यूज पुट कीजिए आप, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे के और कैपिटल क्यू आप कॉमन ले लीजिएगा, क्यू बाय एक्स स्क्वायर कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद अब x की वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं, जो हमने फाइंड की है, x की वैल्यू है r बाय टू, ठीक है। तो देखिए दिस टर्म, ये प्रोडक्ट होगी दो टर्म्स की, आइदर दिस कैन बी जीरो, दिस कैन बी जीरो, दिस कैन नॉट बी जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो आपका कैपिटल Q क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो गया तो सिस्टम ही खत्म हो गया हमारा, प्रॉब्लम खत्म होगी। सो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची, ओनली क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हमारी आ जाएगी माइनस क्यू बाय क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर बाय फोर, आर स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई हमारी माइनस क्यू बाय फोर, सो ये रही माइनस क्यू बाय, ठीक है। तो ये हमारा जो हमें फाइंड आउट करना था, क्या वो की वैल्यू कितनी है और किस पोजीशन पे रखे हैं और किस क्या इसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, वो हमें पता चल गई बाय यूजिंग दी सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये रहे हमारे छोटे छोटे बेसिक्स इन न्यूमेरिकल। तो आप इसी तरह की बुक्स में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको घर पे रह के प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके जो हमने कंसेप्ट्स पहले किए हैं वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो आपका सेम रहता है, न्यूमेरिकल्स कैन बी ऑफ सम डिफरेंट टाइप्स बट स्मॉल चेंजिंग, ठीक है ना। सो आप जितने न्यूमेरिकल्स ज्यादा करोगे तो आपको और कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। सो डू योर रेगुलर स्टडी बाय स्टेइंग एट होम एंड ऑल्सो स्टे अलर्ट, थैंक यू।